हमारे जो प्रत्याशी है महापौर के जितेंद्र शाह जी, एक उनका और एक शबनम जफर खान जी का, ये दो लोगों का तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप उस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे देख लें उनके मोहल्ले के, कि वहाँ महेंद्र भगत जो देहात थाने के TI हैं, उन्होंने जाके उस एरिया को छावनी बना दिया, उनके दरवाजे पटके बाहर निकलो उनको अरेस्टिंग करने के लिए, और उन लोगों पे फ़ोन करके ये बताइए कि आज अगर हम शहर से कहीं जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो क्या हम महेंद्र भगत को बता कर जाएँ कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हमने उसके बाद उन्होंने जितेंद्र शाह जी को फ़ोन किए, जितेंद्र शाह जी से ये कहा गया कि आप कहाँ हो, आप सुरक्षित हो कि नहीं हो, हम ये देखने आए हैं और आप वीडियो बना के दो कि आप, तो ये बताओ कि अगर हम उनको बोलते या हमारे परिवार से कोई जाता कि इनका अपहरण हो गया है या वो सुरक्षित नहीं है, उस कंडीशन में वो आते तो बात अलग थी। वो किसी के इशारे पर आए और उन्होंने शबनम जफर खान जी को भी ये धमकी दिया कि मैं आपको आपके ऊपर केस बना दूंगा, जितेंद्र शाह कहाँ है आप बताओ। तो क्या वो आतंकवादी है वो महिला, क्योंकि वो हमारी निर्दलीय प्रत्याशी है, इसीलिए ये सारे दबाव बनाए जा रहे हैं। और एक मुस्लिम महिला, उनको क्या आतंकवादी समझ रहे हैं जो इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो मैं प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो हम अपनी अच्छे से लड़ सकें, हम उसके कारण हम चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं इन लोगों के दबाव के कारण। हमें किसी भी तरह से अगर हम क्षेत्र में निकल रहे हैं तो उसके पहले ही ऐसा कुछ वो कर रहे हैं कि हमें डर है। जैसे जितेंद्र शाह जी बहुत मुश्किल से वो वार्डों में जा पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव है। तो हम ये चाहते हैं महेंद्र भगत से ये पूछा जाए कि किसके दबाव में आकर ये काम किया और तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। से हमने नामांकन भरा है और नामांकन मैंने भाजपा प्रत्याशी के तौर पे भरा था, और उसके बाद में लगातार हमारे ऊपर दबाव की कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2-3 माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पहले की जो रात है उसमें हम लोग जो हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी जिसको निर्दलीय हो गए हैं अब, तो हम लोगों को सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो जो रात बीती उस दिन सबको ध्यान होगा कि वो 25 जून जो आपातकाल की रात थी, हमको वैसा ही अनुभव हुआ कि इमरजेंसी लग गई है छिंदवाड़ा ज़िले में। हम लोग पूरे तरीके से मानसिक दबाव में थे और हम अभी भी यह स्थिति कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करने के कारण हमारा जो चुनाव प्रचार है वो भी प्रभावित हो रहा है। लोकतंत्र में अगर इसी तरीके से यह वो कार्य किया जाएगा हमारे जिला संगठन द्वारा पदाधिकारी जिला संगठन के जो भी मुखिया हैं, तो हम यह मान के चल रहे हैं कि यह लोकतंत्र नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।